नागरिक संशोधन विधेयक के तहत 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव है। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आकर भारत में बसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रस्ताव है। इन समुदायों के उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो बीते एक साल से लेकर 6 साल तक भारत में आकर बसे हैं। फिलहाल भारत में नागरिकता हासिल करने की यह अवधि 11 साल की है। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए लोकसभा में नागरिकता विधेयक लाया गया था। इस विधेयक के जरिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों, हिंदू, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को बिना समुचित दस्तावेज के भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा है। इसमें भारत में उनके निवास के समय को 12 वर्ष के बजाय 6 वर्ष करने का प्रावधान है। यानी अब ये शरणार्थी 6 साल बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बिल के तहत भारत अवैध प्रवासियों की परिभाषा बदलने के प्रयास में है। केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में नागरिकता संशोधन बिल पेश करने की तैयारी में है। नागरिकता संशोधन बिल का पूर्वोत्तर के राज्य विरोध कर रहे हैं। पूर्वोत्तर के लोग इस बिल को राज्य की सांस्कृतिक, भाषाई, पारंपरिक विरासत से खिलवाड़ बता रहे हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC का फाइनल ड्राफ्ट आने के बाद असम में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। हालांकि इसमें जिन लोगों के नाम नहीं है उन्हें सरकार ने शिकायत का मौका भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने NRC से बाहर हुए लोगों के साथ सख्ती बरतने पर रोक लगा दी थी। जबकि सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक लाने जा रही है, विरोध एक बार फिर मुखर होने लगा है। इसे सरकार की ओर से अवैध प्रवासियों की परिभाषा बदलने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। गैर मुस्लिम 6 धर्म के लोगों को नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान को आधार बना कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट धार्मिक आधार पर नागरिकता प्रदान किए जाने का विरोध कर रहे हैं। नागरिकता अधिनियम में इस संशोधन को 1985 के असम करार का उल्लंघन भी बताया जा रहा है, जिसमें सन 1971 के बाद बांग्लादेश से आए सभी धर्मों के नागरिकों को निर्वासित करने की बात थी। असम गण परिषद भी नागरिकता संशोधन विधेयक बिल को स्थानीय लोगों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध कर रहा है। असम में NRC को अपडेट करने की प्रक्रिया भी जारी है। ऐसे में नागरिकता संशोधन बिल लागू होने की स्थिति में NRC के प्रभावहीन हो जाने का हवाला देते हुए लोग विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।